हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमें एक नंबर गिवन है, एक इंटीजर नंबर गिवन है, हमको उसका डिजिट सम फाइंड आउट करके बताना है यूजिंग रिकर्शन। तो मतलब मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है, हमको एक इनपुट गिवन है लाइक दिस। इनपुट है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो इसका हमारा ये फंक्शन इसको कैसे किस फॉर्म में हमको आउटपुट देगा, आउटपुट हमारा आएगा इसका, अगर इस पूरे नंबर का सम अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो वही हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट 15 होगा, ठीक है। तो अब हम ये चीज़ फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट आएगा 15। अब हमको यही काम करना है यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। तो हम क्या किए हैं अभी तक, बेसिक स्केलेटन हमारे प्रोग्राम का, हमें एक नंबर डिक्लेयर किए हैं इंटीजर एन नाम से, उसके बाद यूजर को एक मैसेज दिया है इंटर नंबर, उसके बाद स्कैनर फंक्शन के हेल्प से उस नंबर को हम इनपुट करा लिए, फिर इस फंक्शन को कॉल किए हैं डिजिट सम नाम के फंक्शन को, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा उस जो हम नंबर पास कर रहे हैं उसके डिजिट का सम, और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है। अब हम क्या करते हैं, इसका हम कोड लिखेंगे, ठीक है। तो पहला बेस केस, अगर मान लीजिए एन का वैल्यू 0 है, उस केस में क्या रिटर्न हो, उस केस में रिटर्न हो जाए 0, ठीक है। ऐसे क्या रिटर्न हो जाए, एल्स पार्ट में रिटर्न कर दो, एल्स पार्ट में हम रिटर्न करा देंगे सिंपली एन मॉड्यूलो 10 प्लस, इसके बाद हम इस फंक्शन को कर देंगे कॉल डिजिट सम को, उसमें एन को हम कर देंगे डिवाइड बाय 10। हो गया हमारा काम कंप्यूटर, इसको रन करके देखते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा लॉजिक बेसिकली था क्या। ये एल्स पार्ट में एक ही लाइन कोड लिख रहे हैं तो इसका कोई नीड भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ एरर आ गया है, क्या एरर आ गया है, परसेंटेज डी में डबल कोट्स मिसिंग है, ठीक है। अब रन करके देखते हैं तो ये एक मैसेज आ गया हमको कंसोल पे, एंटर ए नंबर, हम नंबर इनपुट करते हैं 1999, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 28, लेट्स सी। तो हमारा जैसे आउटपुट देख रहे हैं, हमारा आउटपुट आ रहा है 28, जो कि बिल्कुल सही है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे डिजिट सम एज परसेंटेज डी, और इस फंक्शन को कॉल जो किए हैं वही सिंपली, दैट्स इट, ठीक है। तो ये थोड़ा मीनिंगफुल लगेगा कि यूजर से इंटरेक्टिव हो गया, कि जब भी प्रोग्राम रन हो रहा है तो पूछ, एक मैसेज आ रहा है एंटर ए नंबर, अब हम पास करते हैं 1000, तो इसका डिजिट सम क्या आएगा 1, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमारा कोड बिल्कुल सही है। अब हम समझते हैं हमारे इस कोड का फ्लो क्या है। तो हमको एक नंबर गिवन है, हमको पता है रिकर्सन में हमेशा हमको तीन केस ही सॉल्व करना रहता है, तीन चीज़ सोचना रहता है बेसिकली। एक बेस केस हमारा, दूसरा उसके साथ हम क्या वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारा रिकर्सिव फंक्शन। तो ये हमारा वर्क है, क्या वर्क है, हम हर एक नंबर को मॉड कर रहे हैं 10 से और उसको डिजिट सम से ऐड कर रहे हैं। तो अगर इसका हम रिकर्सन ट्री बनाएंगे ना तो क्या हो रहा है, हम इसको समझा देते हैं। तो पहले 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5, तो ये नंबर 0 के इक्वल नहीं है, n का वैल्यू है 1 2 3 4 5। इस फंक्शन कॉल हुआ, हमारा कंट्रोल यहाँ इफ पार्ट में आया, 1 2 3 4 5 0 के इक्वल है, नहीं इक्वल है, इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स पार्ट पे गए, एल्स में क्या गिवन है हमको, एल्स में हम रिटर्न, मतलब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो कैसे क्या पहले एग्जीक्यूट हुआ, एन मॉड्यूलो 10, तो नंबर मॉड्यूलो 10 5 आ गया। हमको सम निकालना है, मतलब हर एक डिजिट को बारी बारी से ऐड करना है, तो 5 हम रिसीव कर लिए। इसमें अब हमको क्या कर देना है, ये बाकी बचे हुए नंबर को ऐड कर देना है, ये बाकी बचे हुए नंबर के भी साथ वही प्रोसीजर हमको अपनाना है, हर नंबर का लास्ट डिजिट फेच करते करते, कब तक फेच करेंगे, जब तक 0 के इक्वल ना हो जाए, और जहाँ 0 के इक्वल हो गया हम 0 रिटर्न करा देंगे, डेट्स इट। उसी लिए हम 5 प्लस डिजिट सम फिर से इसी फंक्शन को कर दिए कॉल, और क्या पास कर दिए, n division 10। तो 1 2 3 4 5 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे ना तो सिंपली 1 2 3 4 ही आएगा, फिर से इस फंक्शन को कॉल करेगा ये, क्योंकि ये नंबर ग्रेटर है 0, सॉरी इक्वल नहीं है 0 का, तो फंक्शन को फिर से कॉल होगा। तो ये काम हमारा होता हुआ रिकर्सन कर लेगा, ठीक है। तो एक जैसा सब प्रॉब्लम है, हमको बस एक ही चीज़, एक ही डिजिट फाइंड आउट करना है, वो डिजिट फाइंड आउट करके उसको बाकी उसके
पढ़ाई से रिमेनिंग डिजिट से रिमेनिंग एन माइनस वन डिजिट से सम करवा दिए। ठीक है, फिर रन करके देखते हैं। 1 2 3 4 इसका सम क्या आ गया, 10 आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम जो कि हम करेंगे रिकर्सन से सॉल्व। ठीक है, इसी वीडियो में देखेंगे, इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में क्या है दूसरा प्रॉब्लम। अब हमको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल के लिए भी हम प्रिंटएफ फंक्शन कॉल करके परसेंटेज डी, जो भी फैक्टोरियल फंक्शन हम करते हैं कॉल, इसको हम डिफाइन करेंगे, एन का जो वैल्यू है उसके लिए फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब हम फैक्टोरियल फंक्शन को करते हैं डिफाइन। फैक्टोरियल फंक्शन का भी रिटर्न टाइप इंट है, यह भी कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल उस नंबर का। एक नंबर इसमें हम पास किए हैं तो उसको स्टोर कर लिए। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, अगर हमको पता है 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता है, तो अगर n का वैल्यू 0 है और n का वैल्यू 1 है, उस केस में हम रिटर्न करा देंगे क्या, उस केस में हम रिटर्न करा देंगे 1। और एल्स अगर ये पार्ट नहीं है तो उस केस में हम रिटर्न करा देंगे क्या, हमको पता है n फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 6 फैक्टोरियल की बात करें ना, तो 1 2 3 4 5 6 का मल्टीप्लीकेशन जो होता है ना, वही फैक्टोरियल होता है। तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, अगर 6 में हम फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा काम हो गया, बस वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ क्या, n माइनस 1, डेट्स इट। ठीक है, इसको अगर रन करके देखें अभी तो एंटर ए नंबर, 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे किए वो हम समझते हैं। ठीक है, हमको एक चीज़ पता है, हम हमेशा ना जब भी फैक्टोरियल का बेसिकस लिखेंगे तो स्मॉलर सब प्रॉब्लम का रिजल्ट हमको हमेशा पता होगा। किसी भी प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल से, तो उस प्रॉब्लम का हमको स्मॉलर सब प्रॉब्लम पता होगा। जैसे हमको पता है फैक्टोरियल ऑफ 1 होता है, फैक्टोरियल ऑफ 0 1 होता है, इसके लिए हमको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। लेकिन हमको फैक्टोरियल 10 नहीं पता है, ठीक है, तो वो अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो उस केस में हमको खुद का एक कोड लिखना पड़ेगा। तो उसी तरह हम रिकर्सिव कोड लिखे। तो क्या किए हम, हमको पता है हम 6 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 4 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, हुआ ना। अब इसी तरह अब हम आपको इसका रिकर्सन ट्री भी बना के दिखाते हैं कैसे कैसे काम किया। तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो n का वैल्यू था अभी 3, हम 3 लिख के ही बताएंगे क्योंकि यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है, पेंट खोलते तो अलग बात था, हम उसको आपको पेंट वाले एप्लीकेशन में आराम से दिखाते हैं। ठीक है, और फिर अभी खोल के देख ही लेते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल। ठीक है,